हेलो एवरीवन। तो जब आप सिस्टम ई में ब्लॉग लिखते हैं, व्हेन यू आर राइटिंग ब्लॉग्स इन सिस्टम ई, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन राइटिंग अ ब्लॉग। एंड बिलीव मी, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर ब्लॉग्स एंड टू जनरेट ऑर्गेनिक लीड्स। दिस इज़ वेरी पावरफुल सिस्टम, बट when you are writing a blog you need to take care of these settings. On the left side you can see settings here, settings. So click on settings and update the title, the growing importance of AI in digital marketing. Also update the description, also update the keywords, importance of AI in digital marketing, कंपनी का नाम, बंदे का नाम और कोई कीवर्ड। जो भी है 2024, ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे डालिए। मेटा डिस्क्रिप्शन और बड़ा लिख सकते हैं, हाउ टू डू बेटर डिजिटल मार्केटिंग इन 2024। इसको चैट जीपीटी की मदद से भी आप लिख सकते हैं। चैट जीपीटी में जाइए, इसको बोलिए क्रिएट मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से क्रिएट कर देगा। इसको आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है इसे एंड पुट इट हियर। ऑल्सो इसको आप बोल सकते हो क्रिएट एसईओ कीवर्ड्स विद कॉमा, और इस तरीके से ये आपको SEO कीवर्ड्स भी दे देगा। तो स्मार्ट काम कीजिए, यहाँ से इसको लीजिए और यहाँ पर कीवर्ड्स में इसको डालिए। ऑथर में नाम लिखिए ऑथर का, गुरुजी सुनील चौधरी। सोशल इमेज लगाना ज़रूरी होता है हमेशा। तो ये जो इमेज आपने यहाँ लगाई है, यही इमेज सोशल इमेज में लगनी चाहिए कायदे में। डिफरेंट भी लगा सकते हैं आप, बट आपके पास ये है तो यही लगाइए। बेहतर यह है कि कैनवा से बनाइए हर बार और लगाइए। कैनवा में जो थंबनेल का साइज़ होता है, यूट्यूब थंबनेल का, वो तो यहाँ पर कोई भी इमेज है वो लगाइए, नहीं तो अपना फ़ोटो लगा दीजिए। बेटर यह कि हर बार एक फ़ोटो बनाया जाए, इमेज बनाई जाए, वो लगाई जाए। अभी तो मैं ऐसे टाइम पास के लिए अपना फ़ोटो लगा रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो बटन यहाँ पर, ये जो हाइड फ्रॉम सर्च इंजन है, ये चेक रहता है, ये चेक नहीं रहना चाहिए, इसको हटाना है। ओके, रिमूव इट देन सेव। अगर ये चेक रहेगा तो ये ब्लॉग पोस्ट गूगल को दिखाई नहीं देगा, और ब्लॉग पोस्ट गूगल को दिखाई नहीं देगा तो फिर हमारा ब्लॉग लिखने का जो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे कीजिए। और अब इस ब्लॉग को यहाँ पर जो है एआई वाले को जो है देखिए आप, तो यही वाली इमेज जो है वहाँ पर लगानी है। तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। वैसे कैनवा से बनानी है हर बार अच्छी सी इमेज। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सेव कर ली। और ब्लॉग्स में जाके, इसी ब्लॉग में जाके, सेटिंग्स में जाके, ये जो सोशल इमेज है, सोशल एक ऊपर बैकग्राउंड इमेज है, इसको नहीं चेंज करना है। डोंट चेंज दिस वन, इसको चेंज कीजिए, इसको अपलोड कीजिए। और यहाँ पर कोई है एआई की इमेज तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं पुरानी, अगर मिलती जुलती इमेज है तो। नहीं, अपलोड कीजिए, सिलेक्ट फाइल, और ये जो इमेज है इसको अपलोड कीजिए यहाँ से। ठीक है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट जब हम ब्लॉग्स लिख रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि प्रॉपर अपने ब्लॉग का एसईओ करें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर, सोशल इमेज। तो ये चार पांच जो चीज़ें हैं, और ये हाइड फ्रॉम सर्च इंजन हटाना है, हाइड नहीं करना, हमको दिखाना है गूगल को। ठीक है, और जब मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखाता हूँ, हमारा ये गूगल सर्च कंसोल है। तो अब हमारे पास दो हैं ब्लॉग पोस्ट, एक नीचे वाली ब्लॉग पोस्ट है जिसमें हमने सेटिंग में से ये हटाया नहीं है, प्लस ऊपर कुछ भी लिखा नहीं है और नीचे से हटाया नहीं है, और एक दूसरी है जिसमें से हटा दिया है। ठीक है, एक दूसरी है जिसमें से हटा दिया है। तो जिसमें से नहीं हटाया है, एक बार उसको देखते हैं कि वो गूगल में कैसा बिहेवियर करती है। तो इसको हम गूगल सर्च कंसोल में डालेंगे, तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे, तो वो एक एरर दे देगा कि भई ये तो
गूगल इसको इंडेक्स नहीं कर पा रहा है, ये थोड़ी देर चेक करेगा, गूगल इसको इंडेक्स नहीं कर पा रहा है। देखिए हो गया ना रिजेक्ट, डिसमिस कीजिए। अब दूसरा ये वाला है जो एआई वाला, अभी हमने इसमें से हाइड सर्च इंजन हटा दिया, तो इसको लीजिए और यहाँ पर जाइए और गूगल सर्च कंसोल में इसको पेस्ट कीजिए और इसको भी इंडेक्स कीजिए, तो ये होपफुली इंडेक्स हो जाएगा। ये हो गया। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ब्लॉग की सेटिंग में जाएं और सारे ब्लॉग्स अगर आपने पहले भी सिस्टम में लिखे हैं तो सबका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर, सोशल इमेज अपडेट करें और ये वाला जो बॉक्स है खाली रहना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।